प्रमुख संदेश। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी कभी कभी बहुत तकलीफदायक भी होती है। सुंदरता और परेशानी दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं। मैंने इन दोनों चीज़ों को अपनी जिंदगी में महसूस किया है और सब इतना आसान भी नहीं होता। हमेशा जब मैं स्केट पार्क जाती थी तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि लोग मेरे बारे में बुरा भला बोलते थे, जैसे कि देखो इस लड़की को, लड़कों के साथ घूमती है, उन्हीं की तरह रहती है, उनसे बातें करती है, पता नहीं इसके घर वाले कैसे हैं जो इसे इस तरह जाने देते हैं। लेकिन मैंने इन सारी बातों को अनसुना किया, इन सारी बातों पर ध्यान ना देने की कोशिश की और वहाँ से चुपचाप चली गई। यह सारी बातें मेरे लिए बहुत दुखदायक भी थी, लेकिन कुछ समय बाद मैंने उन्हीं लोगों से मेरे लिए अच्छी बातें सुनी और मुझे यह सुनकर काफ़ी खुशी हुई। इसलिए दुख और सुख एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और फिर इसी तरह मैंने सीखा, आप चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं और उनके बारे में बोलते हैं, यही फर्क है। यदि आप खुशी चुनते हैं और दुख नहीं, तो जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है। इसीलिए मैंने हमेशा खुशी को देखने और इसे व्यक्त करने की कोशिश की। मैं एक स्केटबोर्डर हूँ। जब मैंने स्केटबोर्डिंग शुरू की और सच में इसे करना चाहती थी, तो मैंने अपने गांव के कई लोगों से बहुत बुरी भली बातें सुनी, जैसे मैं एक लड़की हूँ, मुझे घर पर रहना चाहिए, घर के कामकाज करने चाहिए, स्केटबोर्डिंग नहीं करनी चाहिए, लड़कों से बातें नहीं करनी चाहिए और लड़कों से दूर रहना चाहिए। मैं उस समय खुद से पूछ रही थी, यह सब क्यों? क्या यह केवल इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ? यह कैसे हो सकता है? यह सब बातें मुझे रोक नहीं सकी। मैंने उन समस्याओं का सामना किया और अपने काम पर ध्यान दिया और अपने चुने रास्ते में चलती रही। कभी कभी मैं सोचती थी कि मुझे स्केटबोर्डिंग बंद कर देनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था समस्याओं के बाद मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी। जैसे कि अगर एक टैक्सी ड्राइवर है और वो टैक्सी चलाता है और वो दिन भर रिक्शा चला के उन पूरे एक दिन की कमाई में से आधे पैसे अपने बेटे की स्कूल की फीस के लिए बचा के रखता है, और एक दिन उस टैक्सी वाले का बेटा अच्छी नौकरी करने लगता है, पैसे कमाने लगता है, और अब उस टैक्सी वाले को रिक्शा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका बेटा भी पैसे कमाने लगा है। अगर वही टैक्सी वाला उन्हीं पैसों की हर रोज शराब पी लिया करता होता, तो आज भी वह रिक्शा चला रहा होता। इसीलिए मैं हमारे सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ कि कृपया अपने बच्चों को अच्छी सीख और पढ़ने की आज़ादी दें। धन्यवाद।